खबर रीवा जिले के लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सोनबरसा गांव की है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय रीवा पहुंचकर आपबीती सुनाने पहुंची। पीड़िता ने बताया कि गांव के कुछ लोगों के द्वारा उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की जा रही थी, जिनके खिलाफ शिकायत की गई, लेकिन स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई न होने पर पीड़ितों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दी तो पुलिस ने उसके केंद्र से जबरदस्ती उसे पकड़कर थाने ले आई और जबरदस्ती सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत बंद कराने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, पीड़िता ने बताया कि उसके बेटे को भी पुलिस ने थाने में बैठाकर चरित्र खराब करने की धमकी दी। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। हमें अंदर घुसकर और मारपीट करते हैं, गंदी गंदी खूब गंदी गंदी गाली देते हैं, और स्कूल जाते हैं तो रास्ते में छेड़छाड़ करते हैं, हाथ पकड़ कर घसीटते हैं गलत करने के लिए। और इसका नाम है रामजी गुप्ता, उसका लड़का है मुकेश गुप्ता, भतीजा है कृष्ण गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? देवतलाव गांव चौका सब्जी खाने में। इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में किए थे, आईजी साहब यहाँ किए थे, थाने में लौर थाने में किए थे। कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप? हम कार्रवाई चाहते हैं, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मेरा जान का खतरा है और मेरे लड़का बच्चा में सबको खतरा है। तो ये सीएम हेल्पलाइन बंद करवाने को भी आपको पुलिस ने बुलाई? जी सर, सीएम हेल्पलाइन बंद कराने के लिए मेरे स्कूल में केंद्र में बैठी हूँ, बच्चे पढ़ा रही हूँ, तो दिव्या उपाध्याय ने गई तो बोली कि चलो तुम साहेब बुलाए हो, किस लिए, कौन अपराध किए हैं? तो बोलती है कि चलोगे वहाँ तो बताएंगी। जबरदस्ती हाथ पकड़ के बोलोरो में बैठा करके ले गई और बोली कि शिकायत बंद करो, नहीं रात भर बैठाएंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो मेरा बेटा का तो उसको भी परेशान करे कि बोलो तुम, मेरा नंबर बंद था तो वकील का नंबर दे दिए थे मेरे वकील हैं, तो बोले कि अपने वकील से बोल दो कि शिकायत बंद करे, नहीं तो मैं तुम्हारे लड़का का नौकरी करने दूंगी, चरित्र खराब कर दूंगी, तुमको भी नौकरी से निकाल दूंगी। आप कहाँ पर पढ़ाती हैं? हम आंगनबाड़ी केंद्र चौका सोनबरसा देवतला। नए वीडियोस एवं ताजी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।